हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी मम्मी के चैनल में। आई होप आप सब ठीक होगे, और आप सब की दुआ से हम लोग भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज बनाने वाली हूँ पाव का हलवा। यानी सुबह मैंने पाव लाई थी तो वो बच गए थे। मैंने बहुत ज़्यादा एक्चुअली पाव लेके आ गई थी, 6 पाव एक्स्ट्रा लेके आ गई थी। पर मेरा दिमाग में से था नहीं कि मुझे 6 पाव लेना एक्स्ट्रा, बट फिर भी मैंने 6 पाव ले ली। मुझे सिर्फ 2 पाव एक्स्ट्रा लेना था, बट मैंने 6 ले ली, तो वो हो गई मुझसे गलती। तो मम्मी थोड़ा चिल्लाए मुझसे क्योंकि इतने पाव क्यों लाई। फिर डैडी ने मुझे बचा लिया, बोले पाव का हलवा बना के खा लेंगे। तो इसीलिए अब मैं बना रही हूँ पाव का हलवा। तो वो मेरी पनिशमेंट है कि मैं पाव का हलवा बनाऊँ करके। तो रेसिपी मम्मी से मैंने सीख ली हूँ और मैं बना रही हूँ पाव का हलवा। तो मैंने दूध में 1.5 चम्मच और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डाली हूँ, और उसको मैंने बॉयल होने दिया है। बॉयल होने के बाद मैंने अभी इसके अंदर पाव तोड़ के मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, मैं अभी पाव तोड़ के इसके अंदर डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। और ये मम्मी ने मुझे सिखाया है कि बेस्ट वेस्ट में से बेस्ट कैसे बनाते, ये वो है। तो हम लोग अभी वही बना रहे हैं, ये वेस्ट पाव। जैसे अगर आपके अगर एक दिन पहले के भी पाव बचे गए तो आप लोग उसको इस तरह से पाव का हलवा बना के खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ ख़राब टेस्ट नहीं लगता है। तो ये पुडिंग टाइप बनता है गाइस, जैसे नॉर्मली पुडिंग हम लोग खाते हैं ना, वो वैसी बनती है पुडिंग टाइप, क्योंकि वो पूरा पुडिंग में एकदम मेल्ट हो जाता है, एकदम मस्का जैसा हो जाता है। बट ये थोड़ा ना ऐसा अक्खा अक्खा दिखता है। और इसके अंदर थोड़ा सा दूध कम हो गया था, तो मैंने बाद में ऐड की थी घी डालने के बाद। मुझे थोड़ा दूध कम लग रहा था तब मैंने ऐड की थी, और फिर उसके बाद फिर भी दूध कम था तो मम्मी ने ऐड किए थे। बाद में नमाज़ पढ़ने के मम्मी ने जब चेक किया तो बहुत ही हलवा ऐसा सूखा सूखा लग रहा था, तो मम्मी ने और दूध ऐड किए थे, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे नहीं समझ में आ रहा था तो मम्मी ने बताया। तो बस ये हो गया हमारा हलवा रेडी। बस और बस आपको यही करना है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और अपने घर वालों को खिलाइए। वेस्ट में से बेस्ट बना के आप लोग अपने घर वालों को खिलाओगे तो आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। और इस तरह से इसके ऊपर घी देना ज़रूरी है, क्योंकि घी दिखेगी तो ही इसका खाने का मज़ा आता है। ओके गाइज, तो आपको बस करनी है 4 चीज़ें, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके गाइज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।